क्या आप गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं? तो दोस्तों, ऑनलाइन कैसे आपको अप्लाई करना है आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको गैस कनेक्शन कैसे लेना है ऑनलाइन। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन गैस कनेक्शन कैसे लेना है, इंडेन का आपको गैस कनेक्शन अगर नया गैस कनेक्शन लेना है तो कैसे आपको गैस कनेक्शन लेना है। गैस एजेंसी के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे, आप घर बैठे अपना कनेक्शन ले सकते हैं, नया गैस कनेक्शन लेते हैं। तो आपको सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है, आपको जब नया गैस कनेक्शन लेना पड़ता है लेना होता है तो गैस एजेंसी के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं बार बार डॉक्यूमेंट के लिए परेशान किया जाता है। तो ऑनलाइन आपको कैसे करना है गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपको गैस कनेक्शन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी फ़ोटो स्कैन आपको एक चाहिए, फ़ोटो स्कैन जो होगी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, राशन कार्ड आपको चाहिए, और आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो आपको चाहिए, और आधार कार्ड आपको चाहिए। तो दोस्तों, ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप आसानी से अपना गैस कनेक्शन ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, गैस कनेक्शन अप्लाई करने से पहले आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा जो हो, जिसकी स्पीड अच्छी हो, आपके पास होना चाहिए। और साथ ही आपको जो गैस कनेक्शन लेने के लिए जिस वेबसाइट पे जाना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और अब वेबसाइट पे जाके आपको दोस्तों बताते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये इंडियन गैस की जो वेबसाइट है उसका होम पेज है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपने ऑनलाइन जो अप्लाई का लिंक है उस पे चले जाना है। और इस तरह का आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जब आप ऑनलाइन लिंक पे जब जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको स्टेट आपका पूछ रहा है, तो आपने अपना स्टेट भर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, मैं अपना स्टेट भर लेता हूँ। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लेना है, जो भी अपना आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने वो चुन लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपने डिस्ट्रीब्यूटर आपने अपना चुन लेना है, जो भी आपका जो नियर बाय आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। साथ में आप अपनी लोकेशन के हिसाब से यहाँ से क्लिक हेयर करके अपना जो है डिस्ट्रीब्यूटर का नाम देख सकते हैं। क्लिक हेयर, यहाँ पे एक जो कॉलम ये आ रहा है, इसको रेड रेड जो आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है, और इस तरह से आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, आपने इसको भर लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड भर लेना है। तो दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ आपने कैसे पूरा फॉर्म भरना है अपना। तो उसके बाद आपने शो लिस्ट कर देनी है, और उसके बाद आपके पास इस तरह से आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों, आपने जो है अपनी इस लिस्ट में से अपने जो है जो आपके इलाके में है गैस एजेंसी, उसका नाम अपने ले लेना है, या अपने पड़ोसियों से आपने पूछ लेना है कौन सा जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपने उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आके जो भी गैस एजेंसी वाला है, जो भी उसका नाम है, तो उसके बाद जैसे कि हम दोस्तों अपना जो है गैस कनेक्शन जो हमारा है जो डिस्ट्रीब्यूटर, उसका हम नाम चुन लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने अपना नाम भर लेना है, हम अपना नाम भर लेते हैं, नाम हमने भर लिया है। और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने भर लेनी है, और दोस्तों ये पूरा फॉर्म आपको भरना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, फॉर्म भर के हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने के बाद जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक ये नोट लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज़ कंफर्म यूअर रजिस्ट्रेशन, जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है, जो रजिस्टर्ड हमारी मेल है, मेल एड्रेस है, उस पर एक लिंक आया है, वो 48 घंटे में एक्सपायर वो लिंक हो जाता है। तो नीचे ईमेल एड्रेस आ रहा है, जो ईमेल एड्रेस हमने डाला है, और उस पर एक लिंक आया है, और उस लिंक को हमने क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, उस लिंक को हमने एक्टिवेट कर लेना है। तो वो लिंक का हमने कैसे एक्टिवेट करना है, वो हम आपको जीमेल में जाके अभी बता देते हैं, और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हम अभी जीमेल में हैं, और यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इंडेन का एक ईमेल आया है, ईमेल वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, ये आप देख सकते हैं। तो हमने इसको क्लिक कर लेना है, और यहाँ आप देख सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आई है, और ये आप देख सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है, जो नाम से हमने फॉर्म भरा है, वो पूरी डिटेल इसमें आ रखी है। और नीचे साथ में एक लिंक है, इस लिंक के माध्यम से हमने अपना जो है अकाउंट एक्टिवेट करना है, ये आप देख सकते हैं, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई यूअर ईमेल एड्रेस एंड प्रोसीड विद यूअर न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो इसको हमने दोस्तों क्लिक कर लेना है, इसी प्रकार से अपने अपना फॉर्म भरना है, सबमिट करना है, और आपका जो
ईमेल होगा, जो मेल आपने डाली होगी उसमें एक ईमेल आएगा और उसको आपने इसी तरह से उसे वेरीफाई कर लेना है। तो हम इसे वेरीफाई करने के लिए इस पर हमने क्लिक कर लेना है इस तरह से, और ये आप देख सकते हैं ये। अब उसके बाद आगे का जो प्रक्रिया है वो आ गई है, और 15 सेकंड के अंदर हमें इसे कंप्लीट करना है। मतलब ये जो क्लिक हियर टू फिल केवाईसी फॉर्म लिखा हुआ है इसको हमने क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये एक फॉर्म आ गया है दोबारा, और इसे हमें दोबारा जो इसमें रह गई है जो जानकारी वो हमें भर लेनी है, जो जानकारी है इसमें वो हमें भर लेनी है, और पूरी जानकारी हमें इसमें भर लेनी है दोस्तों। और उसके बाद हमें ये पूरा फॉर्म भर के, और ये आप देख सकते हैं इसमें जो प्रूफ एड्रेस के लिए हम डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं इसमें। आप इसमें आधार कार्ड लगा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, टेलीफोन का बिल आप लगा सकते हैं, और अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आप लगाना चाहते हैं गजेटेड ऑफिसर से जो अटेस्ट होगा वो आप लगा सकते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, LIC पॉलिसी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट और राशन कार्ड, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, ये आप लगा सकते हैं प्रूफ एड्रेस में। और आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप ये देख सकते हैं ये साथ यहाँ आप क्या लगा रहे हैं वो आपको टिक करना है। आधार कार्ड लगा रहे हैं, पासपोर्ट नंबर दे रहे हैं या पैन कार्ड नंबर दे रहे हैं या वोटर ID कार्ड नंबर दे रहे हैं, तो आपको ये पूरा भर लेना है स्टेप बाय स्टेप देख के। और उसके बाद आपको ये नीचे सबसे नीचे आना है, राशन कार्ड अगर आपको इशू हुआ है तो राशन कार्ड का आपने कर लेना है, राशन कार्ड नहीं है तो आपने छोड़ देना है। अमूमन राशन कार्ड सभी के पास होता है, तो आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है उस स्टेट को सिलेक्ट करके राशन कार्ड नंबर यहाँ भर लेना है। और इसी तरह आपने नीचे पैन नंबर अपना भर लेना है, जो डॉक्यूमेंट में हमने ऊपर दिया था वो दूसरा है और ये इनकम डिक्लेरेशन का है ये। तो यहाँ हमें जो है अपना पैन नंबर देना है, पैन नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आप ये उनके लिए है जिनकी जो आय है वो 10 लाख से अधिक है। और इस तरह से आपने यहाँ नीचे उसके बाद यहाँ टिक कर लेना है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद जो अब आपने जो है फ़ोटो अपना सिलेक्ट कर लेना है, फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं चूज़ फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, चूज़ फाइल आपने क्लिक करना है और आप ये सीधे अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप में पहुँच गए। यहाँ आपने पहले से ही अपने जो स्कैन डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो हमने बताया था, साइन हमने बताया था, और इस तरह से जो आपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखे हुए उनको सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमने अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद ओपन कर देना है और फ़ोटो जो है वो यहाँ आ जाएगी अपने आप, फ़ोटो जो है वो आ गई है। फ़ोटो का साइज़ 100 KB से कम का होना चाहिए। और उसके बाद ये डिक्लेरेशन जो नीचे आ रहा है यहाँ भी हमने ये जो आई एक्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर लेना है और जो है फॉर्म सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में फिर आपको जो है जिस गैस एजेंसी में आपने अप्लाई किया है वहाँ आपको जाना है, और आपका जो है वहाँ से आपने अपना जो आपने गैस कनेक्शन लिया है उसके डॉक्यूमेंट ले लेने हैं और गैस अपना कनेक्शन जो है ले लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इंडियन में अपना जो है नया गैस कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से आपको अपना गैस कनेक्शन ले लेना है नया ऑनलाइन घर बैठे दोस्तों, ये आप केवल 15 मिनट में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की अन्य जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।